अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग पीपल पर आवर पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि अपना प्रोफाइल पूरी तरह से अप्रूव करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पाकिस्तान के अंदर ये इशू आता है कि उनकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती। तो मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को लाइव अप्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरी प्रोफाइल अप्रूव होती है। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर सारे स्टेप्स को देखते हैं। ओके जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैंने पीपल पर आवर ओपन किया हुआ है और इसके साथ साथ एक चीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो है ये VPN। इसका नाम है ब्राउसेक VPN। आप सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे ब्राउसेक एक्सटेंशन और क्रोम के अंदर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें फर्स्ट एक्सटेंशन आ रही है, इसको आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा गेट का, सिंपल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगी। राइट, ये पहला काम कर लिया। अब इसको ऑन नहीं करना VPN को, सिंपल इसको ऑफ ही रहने देना है और यहाँ पे हम अपना साइन अप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आप लोगों के सामने शुरू शो हो जाएगी। यहाँ पे आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करने के बाद साइन अप विद ईमेल, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल नेम लिखना है और यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल मौजूद है, इस ईमेल को मैं यूज़ करूँगा। आप कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं, अपनी पर्सनल या न्यू बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड सेट कर लेता हूँ और सिंपल क्लिक करूँगा साइन अप के ऊपर। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा स्क्रीन पर। यहाँ पे देखें आपको इस तरह का कुछ मैसेज नज़र आएगा, सॉरी वी आर क्लोज्ड, वी आर वेरी सॉरी बट वी आर एक्सपीरियंसिंग हाई नंबर ऑफ फ्रीलांसिंग एप्लीकेशन, अनएबल टू एक्सेप्ट फर्दर एनी एप्लीकेशन। कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको शो होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको बाईपास इस तरह से करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड, तो सिंपल आपने इस डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे बैक साइड पे देखें आपको ग्रीन सा ऑप्शन नज़र आया है कि वेरिफिकेशन ईमेल सेंड टू सक्सेसफुली वेबमास्टर, मतलब ईमेल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आ चुकी है। मैं अब इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे वेरिफिकेशन ईमेल आई है या नहीं आई। मैं स्पैम में चेक कर लेता हूँ ज़रा। ओके, यहाँ पर भी नहीं है, एक दफ़ा इसको रीलोड कर लेता हूँ। स्टिल यहाँ पे कोई ईमेल नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं या फिर इसको दोबारा से प्रेस कर देते हैं। और यहाँ पे देखें ऑलरेडी सेंड, तो मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कोई ईमेल आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक ईमेल आ चुकी है। यहाँ पे ये वाला इसी तरह से रहने देना आप लोगों ने। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो सिंपल एक ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल आपके ईमेल पे यहाँ पे इस तरह से चली जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारा VPN का काम आता है, सिंपल आपने इसको अब ऑन कर लेना है और ये इसकी लोकेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स सेट कर लेनी है। राइट, तो यूनाइटेड स्टेट्स सेट कर ली और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओपन करना है और एक्टिवेट अकाउंट पर सिंपल क्लिक कर देना है। करने के बाद हमारे पास इसको इसने रीडायरेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे हमारे पास वो एप्लीकेशन का नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखें आपको कहीं पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा कि आप इसको हाइड करें या क्या करें। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से कोई भी प्रोफाइल पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ। अभी के लिए जस्ट हमने अपनी ओरिजिनल डिटेल चूज़ करनी है, लेकिन रैंडम चूज़ करनी है क्योंकि वो सारी डिटेल्स हम बाद में चेंज करने वाले हैं, मतलब अच्छी तरह से उनको प्रेजेंट करेंगे। बट राइट नाउ आपने अपनी ओरिजिनल डिटेल्स ही देनी है, लेकिन क्या करना है आप लोगों ने, शॉर्ट डिटेल्स देनी है। यहाँ पे जॉब टाइटल मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनर। राइट, और यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स जो है वो मेंशन कर देता हूँ, दो चार स्किल्स मेंशन कर देता हूँ। ओके, ओके, यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर अपलोड की, एक जॉब टाइटल ऐड किया और यहाँ पे देखें सिंपल मैंने कुछ स्किल्स ऐड कर दी, बेसिक सी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
पे मैंने एक बेसिक सी डिस्क्रिप्शन लिख दी थी, आप चाहें जो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन वगैरह ऐड कर दी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके। यहाँ पे ये लोकेशन है और इसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो लैंग्वेजेस डाल देनी है। ओके, कुछ इस तरह से मैंने लैंग्वेजेस डाल दी यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे अपना आवरली रेट सेट कर देना है £10 पर आवर, और सिंपल मुझे एप्लीकेशन सबमिट कर देनी। एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने पीपल पर आवर पे आना है, साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद आपको वो एक नोटिफिकेशन देगा कि हमने एप्लीकेशन जो है क्लोज कर दी। आपने डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको एक वेरीफिकेशन ई मिल जाएगी। जैसे ही वेरीफिकेशन ई मिल जाए आपने ये VPN ऑन कर देना है। VPN ऑन करने के बाद आपने सिंपल क्लिक करना है एक्टिवेट अकाउंट, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये डिटेल्स आपने बेसिक से फिल कर देनी है, और सिंपल आपने क्या कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे ये हमें ले जाएगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और यहाँ पे ये हमसे पूछेगा कि आप $10 पे करेंगे, £10 पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करने वाले, हमने सिंपल जो स्टैंडर्ड फ्री है उसको चूज़ करना है और प्रोसीड भी क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें योर एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू, और आपको 7 दिन के अंदर जो है रिप्लाई आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 24 आवर के अंदर ही आपको रिप्लाई आ जाएगा, पर आपने मेक श्योर के फ्री वाला प्लान ही यूज़ करना है, £10 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल ये सारे कुछ करने के बाद मुझे क्या कर लेना है, इस VPN को ऑफ कर देना है, और अब इस VPN को कभी ऑन नहीं करना है इस प्रोफाइल को लॉगिन करने के लिए। सिंपल आपको अब क्या होगा कि एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, अप्रूवल ईमेल आ जाएगी, और आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ ज़रा ईमेल के ऊपर और यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास देखिए एक और ऑप्शन आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि अपलोड पोर्टफोलियो। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को कुछ इस तरह से जो है ले आएगा, और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग डिटेल्स हैं वो भी फिल कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रिमेनिंग इमेज जो है ये कवर इमेज है, तो मैं यहाँ पे कवर इमेज जो है वो गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे वेबसाइट वेब डिज़ाइनर। और मैंने यहाँ पे ये इमेज इस पे आया, और यहाँ पे कोई भी अच्छा सा लेट्स से कवर इमेज ओके, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब ये जो सारी डिटेल्स डाल रहे हैं ये हम अब टेम्परेरी डाल रहे हैं, मतलब जस्ट फिल करने के लिए और अपनी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव करवाने के लिए। बाद के अंदर हम इनको ज़रा अच्छे से प्रोफेशनली डिज़ाइन करेंगे, और वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग इसको डिज़ाइन करोगे और किस तरह से इसको ऐड करेंगे, राइट। तो अभी के लिए जस्ट मैं गूगल से ही उठा के चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से आ गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखें पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, यहाँ पे ब्राउज़र लेना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ इमेजेस डाल लेनी है अपनी मतलब वेबसाइट डिज़ाइन की बेसिक से जो इमेजेस हैं वो आपने गूगल से डाउनलोड कर लेना है। चले मैं अभी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन, और यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से ये आ गया, और ये आ गया, ये आ गया, एंड यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। इसी तरह से ये इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको रहने देते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर ली, इनको मैं सिंपल आके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा 1, 2 एंड 3, और तब तक ये अपलोड हो रही है। यहाँ पे मुझे अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, यहाँ से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, और अपना जो भी फ़ोन नंबर है वो मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा। लेट्स से ओके, ये अभी अपलोड हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई, और उसके बाद मैंने इसको अगेन सेव कर देना। सेव करने के बाद हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से शो हो गई। अब ये कंप्लीट जो काम है वो हम कर चुके हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, साइन अप करना है,
साइन अप करने के बाद आपको एक्टिवेशन ईमेल जाएगी, वीपीएन ऑन करना है, एक्टिवेशन ईमेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उस पूरी जो एप्लीकेशन है उसको फिल करना है, फिल करने के बाद सबमिट कर देना है, फ्री वाला प्लान सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगेन आपको एक ईमेल जाएगी जिसके अंदर वो आपसे कहेगा कि अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, कुछ इस तरह की ईमेल होगी, और उसके अंदर आपने अपना पोर्टफोलियो वगैरह कुछ इस तरह से सेटअप कर देना है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, और उसके बाद सेव कर देना है। अब ये सेव कर देना, और उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास एक एप्लीकेशन आ चुकी है, एक अप्रूवल ईमेल, योर एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड। और यहाँ पे देखें हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली लाइव इन फ्रंट ऑफ यू अप्रूव हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और अब आपने वीपीएन ऑन नहीं करना और वीपीएन ऑन करके अपनी प्रोफाइल को यूज़ नहीं करना। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी प्रोफाइल है। अब इसको हम इसको कट कर दें, इसको भी कट कर दें, और यहाँ पे देखें ये हमारी प्रोफाइल है। अब इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जो जो चीज़ें इसके अंदर लगानी है वो लगाएंगे, और उसके बाद इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो ये थी प्रोफाइल क्रिएशन और प्रोफाइल अप्रूवल, बहुत ही सिंपल। आई होप आपको समझ आएगी। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें।